नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल। इस चैनल के पहले वीडियो के साथ हम चालू कर रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जो होगा फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। फाइनेंशियल एजुकेशन के विषय में मेरी एक पूरी सीरीज चलेगी और ये जो सीरीज होगी पूरी डेडिकेटेड होगी बिगनर्स के लिए, जिसमें मेरा पहला टॉपिक होगा व्हाट इज शेयर मार्केट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है शेयर मार्केट। देखिए, शेयर मार्केट को हम स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। तो कहीं से भी अगर आपने ये शब्द सुने होंगे तो इसका मतलब एक ही होता है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह होती है जिसमें आप कोई कंपनी के शेयर खरीद और बेच सकते हैं। अब बात आती है कि शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है शेयर किसी भी कंपनी का वो हिस्सा जिसमें आपको कंपनी की हिस्सेदारी हो जाती है। अब ये 100% भी हो सकता है और 1% भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट पर शेयर के लेन देन का एक जरिया होता है, पर अब इसका फायदा और उनको मुनाफा क्या होगा जिसने कंपनी के शेयर खरीदे, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। किसी ने आपके घर के पास वड़ा पाव की एक दुकान लगाई और उस दुकान से अच्छा मुनाफा हो रहा है। उस दुकान की वैल्यू है 1,00,000। अब उसने सोचा क्यों ना हम इसको और डेवलप करें और वड़ा पाव के साथ इडली सांभर भी देना चालू करें। लेकिन उसको ये सब करने के लिए उतने पैसे नहीं है। अब वो आपके पास आता है और बोलता है कि आप मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं अपनी दुकान को डेवलप कर सकूं और बदले में मैं आपको कुछ हिस्सेदारी दे दूं। अब मान लेते हैं कि आपने उसे 50,000 रुपये दिए और उसने उस दुकान की वैल्यू 1,00,000 रुपये रखी, तो आपकी हिस्सेदारी हो जाती है 50%। अगर ये वड़ा पाव वाला फ्यूचर में उसे कुछ भी मुनाफा होता है तो उस मुनाफे का 50% आपको दे देगा। यानी अगर उसे मुनाफा होता है 50,000 तो वो आपको दे देगा 25,000। यही सब होता है स्टॉक मार्केट पर, लेकिन बड़े लेवल पर। बड़ी बड़ी कंपनियां आती है और अपनी कंपनियों के शेयर या फिर हिस्सेदारी बेचती है। इस वीडियो में मैं आपको इसके हिस्ट्री के बारे में नहीं बताऊंगा, इसकी हिस्ट्री किसी अगले वीडियो में हम समझेंगे। दुनिया में हर देश की अपनी अलग स्टॉक एक्सचेंज होती है। यूएसए के पास है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम NYSE भी कहते हैं, और चाइना के पास है शिंघाई स्टॉक एक्सचेंज। वैसे ही हमारे देश में दो स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग होती है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इंडिया में और एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसे हम कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये दोनों ही है, NSE और BSE। लगभग 5,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है BSE में और 1,700 कंपनियां लिस्टेड है NSE में। दोस्तों, NSE में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसके लिए एक इंडेक्स दिया जाता है जिसे हम निफ्टी कहते हैं, और BSE में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसे हम कहते हैं सेंसेक्स। अब स्टॉक मार्केट दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। कंपनीज अपने शेयर सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में आकर बेचती है। कंपनीज अपने शेयर की एक वैल्यू डिसाइड कर लेती है और फिर उसे प्राइमरी मार्केट में आकर बेचती है, और ये काफी कुछ डिपेंड होता है उस शेयर के डिमांड के ऊपर। मार्केट में शेयर की ज्यादा डिमांड है तो कंपनी ज्यादा शेयर बनाती है, और कम है तो कम शेयर। इसमें काफी रेगुलेशंस भी होते हैं, कंपनियां इन्हें ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकती। देखिए दोस्तों, शेयर की बाइंग और सेलिंग ऐसे ही चालू नहीं हो जाती। सबसे पहले कोई कंपनी अपने शेयर मार्केट में बेचने वाली होती है तो कंपनियां के ओनर डिसाइड कर लेते हैं कि कंपनी का एक शेयर की प्राइस क्या रखना है। कंपनीज अपने शेयर की वैल्यू 10 रुपये भी रख सकती है और 5 भी, बस ये डिपेंड होता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, एक कंपनी है उसकी मार्केट वैल्यू है 10 करोड़। कंपनी आधा हिस्सा शेयर मार्केट में डालती है। अब कंपनी के आधे शेयर की वैल्यू हो जाती है 5 करोड़। कंपनी डिसाइड कर लेती है कि उसे अपने कंपनी के शेयर कितने में बेचना है। अगर कंपनी अपना एक शेयर 5 रुपये के भाव से बेचती है तो टोटल शेयर हो जाएंगे 1 करोड़ शेयर्स, और अगर कंपनी अपने एक शेयर की प्राइस रखती है 10 रुपये
तो टोटल शेयर्स हो जाएंगे 50 लाख शेयर्स। अब कंपनी प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स तो बेच, अब आता है सेकेंडरी मार्केट। अब कंपनी के शेयर की बाइंग और सेलिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में। अब यहाँ पर शेयर की प्राइस बढ़ती घटती रहती है और ये डिपेंड होता है शेयर की डिमांड और सप्लाई पर। चलिए हम यहाँ तक तो समझ गए कि शेयर मार्केट क्या होता है। अब समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि शेयर मार्केट ऊपर रहेगा या नीचे। अगर हमें पता करना है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, इसके लिए मेजरमेंट है निफ्टी और सेंसेक्स। सेंसेक्स ये जो टर्म है जिसे दिया गया था स्टॉक मार्केट के एक एनालिस्ट दीपक मोहानी ने। सेंसेक्स बना है दो शब्दों से, सेंसिटिव एंड इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसेक्स बॉम्बे इंडेक्स में लिस्ट होने वाली 30 ऐसी बड़ी कंपनियों का डाटा कंबाइन करके और उसका एवरेज करके कि सेंसेक्स ऊपर जाएगा या फिर नीचे। अगर ये 30 कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती है तो सेंसेक्स ऊपर जाएगा और खराब प्रदर्शन करेगी तो नीचे जाएगा। ऐसा ही होता है निफ्टी में। इसमें 50 कंपनियों का डाटा एवरेज आउट किया जाता है। इसमें सेबी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि सेबी ही रेगुलेट करती है सारी कंपनियों को जो लिस्टेड है BSE और NSE में। सेबी का काम यही होता है कि BSE और NSE में कौन सी कंपनियों को लिस्ट किया जा रहा है और सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं। अगर आपको स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदना है तो आप कैसे खरीदोगे? शुरुआत के दिनों में ये प्रोसेस बहुत जटिल होती थी। उसके लिए BSE के बिल्डिंग में जाके आपको शेयर खरीदना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं करना पड़ता। आप घर बैठे शेयर खरीद और बेच सकते हैं। अब आपको शेयर्स खरीदने के लिए सिर्फ 4 चीजों की जरूरत है, एक बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और पैसा। अब 3 अकाउंट इसलिए कि बैंक अकाउंट जहां से आप शेयर को खरीद सके, डीमैट अकाउंट इसीलिए ताकि जो आपने शेयर्स खरीदे हैं उसे अपने पास स्टोर करके रखें, और ट्रेडिंग अकाउंट इसीलिए जहां आप अपने शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी बेसिक नॉलेज है मैंने इस वीडियो में दे दिया है। और मैं इस वीडियो को लंबा इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि आपको स्टॉक मार्केट अच्छी तरीके से समझे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।